ये सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है ताकि दिल्ली हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, संक्रमण को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे एक ही हिस्से में उसे नियंत्रित करके फैलाव से रोका जाए और वहीं पर उसका ट्रीटमेंट किया जाए, इलाज करके देश आगे की तरफ बढ़े। कोरोना की इस जंग में राजधानी में अब चित्र आपको दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि किन इलाकों में हॉटस्पॉट बनाकर आज उन्हें सुपर कर्फ्यू जोन में डाला जा रहा है। चित्र बिल्कुल अंजना, बिना वक्त गवाए जल्दी से, क्योंकि दिल्ली के दर्शकों को भी बेसब्री से इंतजार होगा कि वो कौन कौन से इलाके हैं जिसको सील करने का बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की ओर से लिया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए जो हमने तैयार किया है, जल्दी जल्दी एक एक करके वो आंकड़े लाती हूँ अपने दर्शकों के सामने। 20 कोरोना हॉटस्पॉट राजधानी दिल्ली में आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनमें गांधी पार्क, मालवीय नगर का इलाका, इसके अलावा गली नंबर 6L1 संगम विहार, इसको सील करने का फैसला किया गया है। मरकज मस्जिद, निजामुद्दीन बस्ती, जहां से लगातार श्वेता रिपोर्टिंग कर रही है, वहां की हर खबरें भी हमारे दर्शक, हमारे तमाम संवाददाताओं के जरिए जा रहे हैं। उस इलाके को तो सबसे पहला नाम रखा जाना चाहिए था, मरकज मस्जिद, निजामुद्दीन बस्ती, जी और डी ब्लॉक, पश्चिमी निजामुद्दीन, इसको भी सील कर दिया गया है। बी ब्लॉक जनकपुर, इसको सील करने का फैसला किया गया है। शाहजहानाबाद सोसाइटी प्लॉट नंबर 1 द्वारका सील की गई है। दीनपुर गांव गली नंबर 14 कल्याणपुरी, इसे भी सील किया गया है। मनसारा अपार्टमेंट वसुंधरा इनक्लेव, इसको सील करने का फैसला किया गया है। खिचड़ीपुर की 3 गलियों को सील कर दिया गया है, क्योंकि ये तमाम वो जगह है जहां पर 6 से ज्यादा मामला सामने आए थे और उनके जरिए इलाके में और ज्यादा लोग इससे संक्रमित ना हो जाए, इसलिए ये सील करने का बड़ा फैसला। गली नंबर 9 पांडव नगर को सील किया गया है। वर्धमान अपार्टमेंट आईपी एक्सटेंशन को सील करने का फैसला किया गया है। मयूर ध्वज अपार्टमेंट आईपी एक्सटेंशन सील कर दी गई है, गली नंबर 4। किशनगंज एक्सटेंशन को सील करने का फैसला किया गया है, गली नंबर 5। पश्चिमी विनोद नगर सील कर दिया गया है। JKLH पॉकेट दिलशाद गार्डन, इसको भी सील करने का बड़ा फैसला केजरीवाल सरकार की ओर से अंजना। GHJ ब्लॉक पुराना सीमापुरी, इसको सील किया गया है। F70 से 90 ब्लॉक दिलशाद कॉलोनी को सील करने का फैसला किया गया है। प्रतापखंड झिलमिल कॉलोनी को सील करने का फैसला किया गया है। यहाँ पर दर्शकों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि देखिए, सील पूरे के पूरे हिस्से को नहीं किए गए हैं, सिर्फ उन इलाकों को हॉटस्पॉट जहां पर 6 से ज्यादा मामला सामने आए थे और ये मामले दूसरों को संक्रमित ना कर दे या वहां पर कोई और दूसरा संक्रमण का शिकार ना हो जाए, इसको देखते हुए, इसके मद्देनजर ये बहुत बड़ा फैसला दिल्ली सरकार का भी। पहले उत्तर प्रदेश से खबर सामने आई कि 15 जिलों में 114 इलाकों को सील किया जाता है और उसके बाद दिल्ली से खबर आ गई कि 20 ये जगह है अंजना जिनको सील करने का फैसला केजरीवाल सरकार की ओर से आज किया गया। अंजना बिल्कुल, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी भी हमारे साथ राजधानी से बनी हुई है, जो लगातार कोरोना और कोरोना के संक्रमण पर रिपोर्टिंग कर रही है। मौसमी, देखिए दो चीजों में फर्क करना होगा, एक वो राष्ट्रीय लॉकडाउन जिसका पालन हर जगह हो रहा है, उस पर आखिरी फैसला क्या होता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। सर्वदलीय बैठक में भी पीएम ने आज संकेत दिए हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। दूसरी तरफ ये हॉटस्पॉट्स को चिन्हित करके उनको पूरी तरह से सील करना, ये एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे पुलिस हो, प्रशासन हो, घर घर तक खाना पहुंचाए, क्योंकि वहां पर सब्जी और जरूरी सामान की चीजें भी बंद रहेंगी, बैंक, ATM कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल अंजना, बहुत महत्वपूर्ण बात है, और क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी भी सोसाइटी को सील कर दिया गया है लोटस बुलेवार्ड सेक्टर 100 में, और इस वक्त हम बंगाली मार्केट में जिस लॉकडाउन और जो सील करना है उसमें जो फ़र्क है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं तस्वीरों के जरिए, क्योंकि बंगाली मार्केट को सील कर दिया गया है, यानी कि ये इलाका बिल्कुल सील है, आप अपने घर की दहलीज से बाहर नहीं जा सकते, प्रशासन आपको सारी सुविधाएं मुहैया कराएगा। आप देखिए यहाँ पे रस्सी लाई जा रही है, बैरिकेड पहले से ही लग गए हैं, दिल्ली पुलिस को ये ऑर्डर दिया है जी, तो ये दिल्ली पुलिस को जो है पूरी तरह से हिदायत दी गई है कि पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करें। अंजना बिल्कुल, मौसमी आप दिखा रही हैं कॉर्डन ऑफ करके, यानी आप पूरे इलाके को, उस जगह को, उस अपार्टमेंट को, उस गली को सील करेंगे, कोई मोहल्ले में भी चलता हुआ दिखाई नहीं देगा, घर के अंदर रहना है आपको, जरूरी सामान घर में पहुंचाया जाएगा, घर से निकलने की मनाही होगी और इस पर सख्त निर्देश और सख्त पालन होगा।